कन्नौज जनपद की गोसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय बिच्छू गैंग के सदस्यों ने चार लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू की है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव अकबरपुर निवासी अरबाज अपने साथियों के साथ गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के इंदुरिया गंज मार्ग पर स्थापित स्विमिंग पूल में नहाने गया था। इस दौरान बिच्छू गैंग के सदस्य नहाने पहुंचे थे। नहाने के दौरान किसी बात पर विवाद हो जाने पर बिच्छू गैंग के सदस्यों ने अरबाज व उसके साथियों की लोहे की राडों और लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे अरबाज और उसके साथी घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अरबाज की हालत चिंताजनक होने पर उसे कानपुर भेजा गया। रास्ते में उसकी मौत हो जाने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस सक्रिय हुई। परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने दो नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। तो अकबर उससे गुरसाईगंज स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। नहाने गए थे तो सब लोग कूद रहे थे, तो उन लोग को मना किया तो उन लोग गाली गलौज करने लगे। वो दारू तो पिए थे सब लोग, तो गाली गलौज के ये भतीजा दौड़ा तो मैं इसको पकड़ के दो तीन मारे। मैं बोला लफड़ा मत करो, मेरा भाई मारा। तो यहाँ से एक और आके पीछे से लात मारी, पानी में गिरा जाके स्विमिंग पूल में। तो वो रोड निकाल लाया लोहिया की, तो उसमें उन लोग फोन कर करके आए। हम लोग को स्विमिंग पूल वाला बंद कर दिया कमरे में, कमरे में बंद कर दिया। और उन लोग दो दरवाजा तोड़ के हम लोग को निकाल के तब मारे। उन लोग उसको बिच्छू गैंग के थे, वही गुरसाईगंज के थे। फिर क्या हुआ? वही पुलिस वुलिस आ गई थी, तब हम लोग बच गए थे। पुलिस ने बचाया? पुलिस ने। क्या हुआ है? अभी मेडिकल वेडिकल करा के मेरे को घर पे भेज दिए थे। आज मौत किसकी हुई है? अरबाज की हुई है, मेरे भतीजे की। कहाँ हुई है? कानपुर गए, वैसे गए वहाँ तो स्विमिंग पूल है गुप्तागढ़ की। वहाँ हमारे यहाँ अकबरपुर के ये छह लड़के नहाने के लिए गए, तो वहाँ जब ये नहा रहे तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग आए और नशे में थे। नशे की हालत में इनसे चिपके चिपके तो उसमें इनकी कहा सुनी हुई। उसके वो लोग इसके स्विमिंग पूल के जो थे उनके नाम नहीं मालूम है, बिच्छू गैंग खाए, बिच्छू गैंग करके बहुत साथी गैंग खाए। तो इन्होंने छह लोग थे तो इन्होंने मारा पीटा, तो कुछ लोग थे इन्होंने तीन लोगों को अंदर बंद कर दिया बिच्छू ने, और तीन लोग बाहर निकल आए। जब ये लोग आए तो किवाड़ा खोल के और इन्हें पकड़ के खींचा और फिर इन तीनों लोगों को बहुत मारा। एक तो खपड़ी में चोट लगी है, इस लड़के के जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा चोट लगी। वहाँ गए, पुलिस ने यहाँ पर बहुत सहयोग किया। पुलिस जो थी वहाँ से आई, पुलिस ने ही इन लोगों को निकाला। अगर पुलिस ना निकालती तो वो लोग जान से मार देते। फिर उसके बाद अगर पुलिस की बात किया तो मौके पर सूचना मिली कोतवाल पहुँचे। हाँ, अभी कोतवाल पहुँचे, वहाँ पुलिस जो थी उन्हीं पुलिस के ही सहयोग से निकल पाए ये लोग जी। पुलिस ने इसमें जो है पुलिस का इसमें कोई भी गलत रोल नहीं है, पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया और पुलिस ने ही इनको लोगों को निकाला। अगर पुलिस ना पहुंचती तो वो जान से मार डालते। कल आज किसकी मौत हुई? किसकी मौत हुई? इसका मुफीस का लड़का अरबाज। कहाँ मौत हुई? इसकी कानपुर में। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी, अपना दल जिला अध्यक्ष कन्नौज। चौकी समधन थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में खेतों के बीच एक स्विमिंग पूल बना रखा है। उस स्विमिंग पूल में 20 तारीख को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हो गई थी। इसमें थाना गुरसहायगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि घायलों में एक व्यक्ति अरबाज, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा जो है बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करके अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु तीन टीमों का गठन किया गया है। कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।